कढ़ी बनाने के लिए 300 ग्राम दही ले ली है, और 1 चम्मच प्याज का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च, 1 बाउल बेसन। अब दही को अच्छी तरह से फैट लेंगे, इसमें अच्छी तरह से फैटेंगे और एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे भी दही को अच्छी तरह से फैटेंगे। अब बेसन इसमें मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से चलाना है, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो करीब 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। अब हमने सारे मसाले पाउडर भी डाल दिए हैं, इन्हें भी चलाते हुए मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। अब इसी तरह इनको भी मिक्स कर देंगे। अब ये स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें पानी मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, चलाएंगे और चारों तरफ से जो साइडों से लग गया है बेसन, उसको भी छुड़ाते जाएंगे। एक अच्छा सा घोल हमारा तैयार हो चुका है। अभी इसमें पानी और डाला जाएगा। बिल्कुल पतला सा घोल बनाना है, क्योंकि कढ़ी पकने में टाइम लगता है। जितनी देर तक आप कढ़ी बनाएंगे, उतनी ही उसका जायका बढ़ेगा। तो कम से कम 2 घंटे तो पकानी है, 2 से ऊपर होता है तो और अच्छी बात है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो कढ़ी को हमने चूल्हे पे रख दिया है और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक कि उबाल ना आ जाए। आप पकौड़ी के लिए 1 बाउल बेसन, हरी मिर्च कटी हुई, 1 प्याज कटी हुई और थोड़ी मिर्च, नमक, हींग और हल्दी पाउडर। अब एक बड़े बाउल में बेसन को डाल देंगे और मसाले पाउडर मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ी सा पेस्ट बनाएंगे और पानी डालेंगे, फिर इसे घोलेंगे। पकौड़ी का बेसन जितना फैटेंगे, उतनी ही मुलायम पकौड़ियाँ बनेंगी। तो इसलिए कम से कम 6 से 7 मिनट तक इसको फैटना है। अब हमारा बेसन फिट चुका है, देखिए इतना गाढ़ा रखना है हमें। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे। इधर कढ़ी चेक कर लेते हैं, कढ़ी भी पक रही है हमारी। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और थोड़ा ढक देंगे, आधा ढक देंगे। अब पकौड़ी के बेसन में थोड़ा खाने का सोडा डालेंगे
और हल्का सा पानी उस पर डालेंगे और फिर अच्छे से चलाकर मिक्स कर देंगे। अब इसमें प्याज हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे और इनको भी मिक्स कर देंगे। तो पकौड़ी बनने के लिए बेसन तैयार हो चुका है। कढ़ी की तरफ देखते हैं, अब चलाएंगे इसे ताकि ये नीचे ना लगे, बीच बीच में इसको चलाते रहना है। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल डालेंगे, गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो छोटी छोटी पकौड़ियाँ सेक लेंगे। पकौड़ियों की साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है पकौड़ियों का। पकौड़ी हमारी हो चुकी हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारी पकौड़ियों को सेक लेंगे। देखिए हमारी सारी पकौड़ियाँ सिक चुकी हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तोड़कर देखते हैं कितनी सॉफ्ट बनी हैं और अंदर तक सिक गई हैं। अब ये पकौड़ियाँ हम कढ़ी में डाल देंगे और 5 मिनट तक और कढ़ी को पकाएंगे। तो कढ़ी हमारी तैयार है। अब एक कढ़ाई में जो पकौड़ियों का तेल बचा था उसी तेल को मैं छौंका लगाएंगे। तो एक प्याज कट कर ली है बारीक, कुछ करी लीव्स हैं, ज़ीरा, हींग और हरी मिर्च और लाल मिर्च। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें ज़ीरा और हींग डाल देंगे, चटकने देंगे, करी लीव्स भी डाल देंगे। अब प्याज डाल देंगे। प्याज जब हल्के रंग की हो जाए तब इसमें मिर्चें ऐड कर देंगे।
प्याज में रंग आ चुका है तो अब इसमें मिर्चें डाल देते हैं। लीजिए, हमारा छौंका भी तैयार है। अब इसको कढ़ी में डाल देते हैं। अब इसे डिश आउट करेंगे। लाजवाब कढ़ी तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।